व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल है। तो थोड़े दिन पहले मुझे शिमला में किसी खास इवेंट में इनवाइट किया था। अब वो खास इवेंट क्या था वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन असली सवाल ये है कि इनवाइट क्यों किया। भैया आप हो कौन, आपको जानता कौन है जो आपको किसी इवेंट से इनवाइट आने लगा। तो ये कहानी उसी इवेंट के बारे में है, उसी खास इनविटेशन के बारे में है। लेकिन उससे पहले बाल कटाने हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कबीर सिंह लग रहा हूँ पूरा। तो बाल कटा के आपको कहानी के बारे में बताते हैं। ओके, दरअसल जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं और उनको पता है कि मैं यूट्यूब पे ऐसे टाइम पास करता रहता हूँ। तो वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है और आरएसएस वर्कर भी। तो जो भी ये इवेंट था वो उनकी तरफ से और आरएसएस वालों की तरफ से था। अब मैं पर्सनली एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक तो इवेंट है वो शिमला में है, दूसरा मुझे घर जाने का भी मौका मिल जाएगा। तो फिर क्या था, मैं चल पड़ा अपने सफ़र पर। लेकिन जाने को तो मैं अपनी फूटरी पर भी जा सकता था, लेकिन ये मौसम है ना, मौसम का कुछ नहीं बोल सकते, कभी भी धोखा दे जाता है। तो मुझे बस में जाना ही सही लगा। तो हेलो जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि 2 बजे चंडीगढ़ से चला था और अभी 6 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 घंटे का बस में सफ़र करा है, और सफ़र करने के बाद हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों सफ़र हो रहे हैं। शरीर की ऐसी बुरी हालत हो रही है मैं बता नहीं सकता हूँ। और अभी सिर्फ सीधा घर जाना है और घर जाके अपनी नींद पूरी करनी है। कभी आपने लाइव सनराइज देखा है, मतलब कभी ऐसे लाइव सुबह होते हुए देखी है? Everything you said, it's been running through my head, locked and loaded. The one thing I have to admit, कि अपने होमटाउन की बात ही अलग है। सांस आपको अपने होमटाउन पे आती है, वो आपको कहीं और फील नहीं होगी, for sure. You're broken. तो भैया घर पहुंच गए, बिस्तर तैयार है, बस सोना है, कोई खाना वाना नहीं खाना, अब बस नींद पूरी करनी है। जो भी इवेंट है वो शाम को है 7-8 बजे, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी चक्कर में मैं चंडीगढ़ से शिमला आया था, वरना मेरा कुछ ऐसा प्लान खास प्लान नहीं था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी फ़िलहाल नींद पूरी करते हैं, उसके बाद तैयार होंगे, फिर जाएंगे शाम को। ओके, अब इवेंट भी रात के 8 बजे था, मतलब जो वर्कशॉप पार्ट 1 था वो रात के 8 बजे से रात के 10 बजे तक था। रात को इवेंट कौन रखता है। तो जी, आज का जो इवेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। जो आरएसएस ग्रुप है इंडिया का, उनकी तरफ से ये इवेंट था। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास सेशन नहीं था, बस इंट्रोडक्शन करवाई थी। जो मेन इवेंट है वो है कल अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, हमें वो अटेंड करना है। तो अभी अपन नींद पूरी करेंगे, क्योंकि दिन भर की थकान है, रात को भी मैं सफ़र किया था तो वो सफ़र हो गया था। लेकिन इवेंट चाहे जैसा मर्जी हुआ हो, आपको पसंद आया नहीं आया, आपको फ़ायदा हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात ज़रूर है, मज़ा बहुत आया। एक तो सामने से इनवाइट आया था कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। एक मिनट, एक्टिंग है ना, एक्टिंग करके बताते हैं। हेलो सर, हमें पता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे ऐसे एक्टिव और इन्फ्लुएंसर भी हो, तो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं हमारे इवेंट पे, जो कि आज रात को और कल सुबह होने वाला है। तो आपके नाम पे एक रूम भी बुक होगा, और आप चाहो तो आप आ सकते हो यहाँ पे, ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ करना और वर्कशॉप अटेंड करना, उसका बकायदा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके बाय। स्पेशल उन्होंने मेरे नाम पे एक रूम भी बुक किया था, और दूसरा मुझे घर जाने का भी मौका मिल गया था। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने घर का खाना खाया है, तो एक रिवाइव सा फील कर रहा हूँ। होता है ना, जब आप बहुत दिनों के बाद अपने घर जाते हो, अपने घर का खाना खाते हो, तो वो आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हो। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उस लेवल का हो गया था। काफ़ी अच्छा लगा घर जाके। तो जो भी ये कहानी थी इस बारे में थी, बस सिमट गई। और इनविटेशन का कुछ खास मकसद नहीं था, बस ये था कि आप आरएसएस को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, वो आरएसएस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे टेस्ट का नहीं था, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। तो मैं इवेंट तो ज़रूर अटेंड किया, लेकिन
मेरे किसी काम का नहीं था, मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। आपके लिए ज़रूर हो सकता है अगर आप किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करते हो या फिर RSS जैसी पार्टी या फिर BJP पार्टी को फॉलो करते हो तो आपके लिए कुछ हो सकता है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए बस ये था कि एक वीडियो थी, मैंने ब्लॉग शूट करना था, मुझे सामने से इन्वाइट आया था तो उसकी मुझे काफ़ी खुशी थी, उसका मैंने ब्लॉग बनाया, आपसे शेयर किया, अपनी फीलिंग शेयर की। और एक और बात याद आई कि आप चाहे छोटे इन्फ्लुएंसर हो चाहे बड़े इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब पर चाहे आपका जैसा मर्जी काम हो, लोग आपको देखते हैं, आप लोगों की नज़रों में रहते हैं हमेशा। और वो कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, टुडे विल बी माइन, रिमेंबर। I've been waiting for this moment, the final battle of the chosen. See, I'm never gonna quit, got my legacy set in motion. So welcome to the fire.